प्रदेश का एक युवा अबू धाबी में फंस गया है। उसे कंपनी की ओर से न तो 3 महीने की सैलरी मिल पाई है और अब उसके सामने समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि उसका वीजा भी खत्म हो चुका है। घुमारवी तहसील के तहत लिंग गांव के रोहित ठाकुर अबू धाबी में नौकरी करते हैं, लेकिन कोरोना काल में उनकी नौकरी का वेतन नहीं मिल पाया। अबू धाबी से रोहित ठाकुर ने बताया कि वे 3 महीने से वहां घर पर हैं। सैलरी नहीं मिल पाने के कारण उन्हें अब आर्थिक समस्या गंभीर होने लगी है। उन्होंने भारतीय दूतावास और प्रदेश सरकार से मांग उठाई है कि उन्हें शीघ्र वहां से निकालकर हिमाचल लाया जाए। रोहित ने कहा कि उसने 2.5 महीने पहले रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी एक मेल के माध्यम से अपनी इस गंभीर समस्या को बताया है। उसका कहना है कि अभी तक कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया है। उसके सामने अब रोजी रोटी की समस्या भी गंभीर होने लगी है। उसने सरकार से मांग उठाते हुए कहा कि उसे अतिशीघ्र अबू धाबी से हिंदुस्तान ले जाया जाए या उचित प्रबंध किए जाएं ताकि वे अपने देश लौट सके। रोहित ठाकुर के परिजन भी बेहद परेशान हैं। उन्होंने भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है कि अतिशीघ्र उनके बेटे को हिंदुस्तान लाने के प्रबंध किए जाएं, क्योंकि 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण उसके सामने रोटी की समस्या भी गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अतिशीघ्र उनकी इस फरियाद को सुने और बेटे को यहाँ पहुँचाने के लिए उनकी मदद की जाए। नमस्कार, मेरा नाम रोहित ठाकुर है और मेरे फादर का नाम श्री रमेश चंद है। मेरा गांव लिंग है, पोस्ट ऑफिस तड़ौन है, तहसील घुमारवी है और जिला बिलासपुर है। मैं अबू धाबी से बात कर रहा हूं और मैं इस टाइम अबू धाबी में हूं। मैं 3 महीने से अबू धाबी में मैं फंसा हुआ हूं। 3 महीने से ना कोई सैलरी है ना कुछ है और रूम पे ही हूँ 3 महीने से, और मेरा वीजा भी ख़त्म हो गया है। तो मैं अपने प्रशासन से यही अपील करता हूँ कि मेरे जल्दी से जल्दी हिमाचल बुलाया जाए। और मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है, 2.5 महीना हो गया रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, और मैंने मुख्यमंत्री को भी मेल डाल रखी है, अभी तक कोई उसमें रिप्लाई नहीं आया है। तो मेरा यही प्रशासन से अनुरोध है कि मेरे को जल्दी से जल्दी हिमाचल बुलाया जाए। 3 महीने से ना कोई सैलरी है ना कुछ है और मेरा वीजा भी ख़त्म हो गया है। तो हम रूम पे ही बैठे हुए हैं और परेशान हैं। तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी से यही गुहार लगाता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमको हिमाचल बुलाया जाए। मैं अबू धाबी, इस टाइम मैं अबू धाबी में हूँ।